और दादाजी कैसे हो? सब मौज में हैं? बढ़िया है बेटा। आज दादाजी कोई पुरानी कहानी सुनाओ ना। हाँ ठीक है बेटा, पर यहाँ नहीं, बाहर गार्डन में जाके कहानी सुनाऊंगा तुम्हें। ठीक है दादाजी, चलो चलते हैं। हाँ दादाजी कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ बेटा, अभी सुनाता हूँ। हाँ बेटा, मैं आज तुम्हें एक चतुर ब्राह्मण की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण और एक चौधरी और एक बनिया था। वो तीनों किसी काम से पड़ोस के गांव में जा रहे थे। रात बहुत हो गई थी। फिर क्या हुआ दादाजी? बेटा, उनको एक रास्ते में भयानक राक्षस मिल गया और वो तीनों उस राक्षस से विनती करने लगे कि हमें छोड़ दे। फिर क्या दादाजी, उन तीनों को उस राक्षस ने छोड़ दिया क्या? नहीं बेटा, उस राक्षस ने इन तीनों के सामने एक शर्त रखी। वो क्या शर्त थी दादाजी? उसने यह शर्त रखी कि तुम तीनों एक एक करके किसी भी दिशा में एक वस्तु फेंको, मैं उसे पकड़ लूँगा, नहीं पकड़ पाया तो मैं तुम्हें जाने दूँगा। आगे क्या हुआ दादाजी? तो सबसे पहले बनिया की बारी आई और बनिया ने अपने झोले में से एक सिक्का निकाला और राक्षस से विपरीत दिशा में उस सिक्के को फेंका। राक्षस ने उस सिक्के को पकड़ लिया। आगे क्या हुआ दादाजी? होना क्या था बेटा, उस राक्षस ने उस बनिया को मार दिया। और अब चौधरी की बारी आई और फिर चौधरी ने चतुराई दिखाई, एक छोटा सा कंकर लिया और उसे राक्षस की विपरीत दिशा में पूरी ताकत लगा के उसे फेंक दिया और फेंकते ही राक्षस ने उसे पकड़ लिया और फिर उस राक्षस ने उस चौधरी को भी मार दिया। तो फिर दादाजी उस ब्राह्मण का क्या हुआ? ब्राह्मण ने होशियारी दिखाई और ज़ोर ज़ोर से पाद मारने लगा और बोला, ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़। क्या दादाजी? फिर क्या था, उस ब्राह्मण से राक्षस ने हार मान ली और उसे छोड़ दिया। वाह दादाजी, क्या कहानी थी, बहुत मज़ा आया दादाजी। लाइक्स एंड कमेंट्स और सब्सक्राइब।